वेलकम बैक टू आवर चैनल दुआ है आई एम खुशी। तो आज हम रिएक्शन करने वाले इंडियन यूट्यूबर्स एडिटेड वीडियोस पर, जो कि आप लोग की रिक्वेस्ट है। तो गाइस, पहले आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? बस ये डायलॉग बोलने की देरी बता दूं, ये स्कॉर्पियो अपनी वाली स्कॉर्पियो नहीं है जिसका 30 मिलियन लोगों का इंतजार है, तो उन 30 मिलियन लोगों की रानी ये वाली है। ख्वाब छोड़ दे, अब ख्वाब नहीं है, बदला है। अच्छा, मेरी बेइज्जती पर तुम लोग का ऐसा है कि जब तक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता तब तक वीडियो डालते नहीं हो, ऐसा मैंने सुना है। हाँ। तो मतलब उसूलों के पक्के क्यों नहीं हो तुम लोग? जोनाथन के साथ खेलो प्लीज एंड लव यू। अरे भाई, जोनाथन तो बहुत तगड़ा प्लेयर हो गया यार, वो कहाँ खेला है हमारे नूब्स के साथ। ₹5 की पेप्सी, लाल फूल नीला फूल, जेड़ी ज़ुल्फ़ां ज़ुल्फ़ां दे प्यार तेरी। मैंने कहा दीदी आ गया YouTube से पैसा 8,000 रुपए। कहती है एक साल बाद 8,000। पापा तो बोले 8,000 रुपए आए, क्या करोगे 8,000 का? अब 8,000 करोड़ हो गए। आपका बहुत बड़ा फैन है। और सर, मेरा YouTube का चैनल है इशू एस प्रैंक नाम से, उस पर 116,000 सब्सक्राइबर है। तो सर, जैसे मैं कहीं जाता हूँ तो लोगों को पैसे तो पता नहीं रहता मेरे बारे में, और कई बार पहचान लेते मेरे को, मेरे से पूछते हैं कि भाई तू तो बहुत पैसे वाला होगा, तेरे पे तो ये होगा वो होगा। तो सर, आपके साथ भी ऐसे होता था, और आप जवाब क्या देते? मैं तो हूँ पैसे वाला ना। क्या जवाब दिया आखिर में तुमने? ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो मेरी करवा दे। मिर्ची नहीं लग रही? लग रही है भाई, लेकिन जब मैंने अपने इंडियन पेरेंट्स को ये बताने की कोशिश करी कि मैं गेमर बनना चाहता हूँ, फिर इसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि अगर मैं कुछ लिमिटेड टाइम तक गेमिंग में अचीव नहीं कर पाता हूँ तो गेमिंग छोड़ दो। टाइम दिया था कि 6 महीने में कुछ मेरे को 50,000 कमा के दे, तो 6 महीने बाद 5,00,000 कमा के दे दी। 6 महीने में इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? 1.3 मिलियन। आई थिंक शो पे अभी तक जितने भी लोग आए सबसे ज्यादा फॉलोअर्स आपके, आप तो ऑलरेडी फेमस हैं। कैसे कर रहे हैं? अरे जैसे आपने किए। मैंने कैसे किए कल? फॉर टेक्नो गेमर, जिसके नाम में टेक्नो क्यों है ये आज तक एक मिस्ट्री है। एक्चुअली गेमर्स भी क्यों है ये भी किसी को नहीं समझ आया। ये गीगा चैट देखे है, ये गीगा सैड है। ये बहुत पैसा कमाया, गाड़ी दौलत घर सब कुछ GTA 5 में। तो लेकिन फिर भी भाई सिंगल है, क्योंकि GTA 5 भाई को गर्लफ्रेंड नहीं दे पाई। ये बात में गुस्सा आ गया। रोने वाला सीन ही नहीं है। पहले तो गिव इट अप फॉर ट्रिगर्ड इंसान। इतनी बातें वातें नहीं करनी, एक बंदे को रोस्ट करने के लिए 50 लाइन नहीं बोलनी पड़ती, सिंपल सी चीज है। भाई ने रोस्टिंग करी गेमिंग पर, आजकल वोटिंग कर रहा है यार। सुनने में आया तेरा कंटेंट खत्म हो चुका था इसीलिए तूने शादी कर ली। और सुनने में आया मिथपैट ने कैसे प्रपोज किया था पता है? मिला इस दोस्ती को
मोनेटाइज किया जाए। ये बात बोलती ना। मॉडल तो बहुत खुश दिख रहा है आज। आई होप यू नो कि तू इस इवेंट को इसलिए क्योंकि स्काउट सुबह सुबह बीमार पड़ गया था। इनके जवाब तो बहुत खतरनाक। 20 मिलियन का घमंड टूटने का बेटे, घमंड कभी कराई नहीं पर तुम्हें लगता है घमंड तो भाई बन जाएगा। मेरे बोर्ड्स में मैथ्स में 100 थे और जेई में 990 पर वो बेटे किस चीज का घमंड करेगा। 20 मिलियन का तो नहीं है लेकिन हाँ ट्रिपल आई टी से ग्रेजुएशन करिए। तब तुम कह रहे हो बिग बॉस में 20 बार आई जा रहा भाई कितना लपेटेगा बिग बॉस को यार 56 दिन रह के आया हो और ऊपर से 25 पेटी का नुकसान हुआ है जीता नहीं। मैं मजाक कर रहा हूँ यार तुमने इसको ना सीरियसली मत लिया करो कि मैं जीता नहीं तो शायद उसका गम में मैं बोल रहा हूँ 25 लाख नहीं जीता भाई 25 लाख मैंने ना अगले दिन एक रील एक स्टोरी डाल के कमा लिए थे यार। वाओ गाइस जब मैं लोगों को बोलता था ना कि मैं द थगेश शो करके कुछ बना रहा हूँ तब लोग मुझे बोलते थे कि एक शो होस्ट करना तेरे लिए खाने का काम नहीं है। वेलकम टू एपिसोड 4। उस वक्त मेरे रिश्तेदार ने मुझे बोला दुनिया आगे निकल जाएगी तो इस चेयर पे बैठा रह जाएगा ना पैसे कमा पाएगा ना गर्लफ्रेंड। अब भैया देखो मैं उसे गाड़ी भी नहीं दे सकता क्योंकि बहुत सी गलत और आज यही तारीफ तो एल्विस तो फिर भी भाई हीरा है हीरा अपनी कमाई को दान पुण्य में लगाता है और तुम किस चीज में लगा रहे हो नेगेटिव पीआर करने में। कितना ही जोर लगा लो 25 लाख लगाए 25 करोड़ लगा लो वो पहाड़ है पहाड़ सुना ना पहाड़ कितनी सदियां आई कितनी गई कितने मौसम आए कितने गए वो ऐसे खड़ा रहेगा और तुम लोग कितनी ही कोशिश कर लो अगर बाल भी बाका कर जाओ ना तो हम भी यही है तुम भी यही है। तो बात करते आज के हमारे गेस्ट की इन दोनों भाइयों ने यूट्यूब सीन में भाई तहलका मचा के रख दिया। तो जो हमारे पहले गेस्ट है भाई साहब एक रोस्टर है एंड जो हमारे सेकेंड गेस्ट है भाई को वीडियो बनाने के लिए कंटेंट नहीं पूरे कॉन्टिनेंट की जरूरत है भाई रेगिस्तान समंदर सब जगह जाके वीडियोस बनाते हैं। जब तक हमारे भाई दिन के कौन है 3-4 लाख नहीं उड़ा देते ना रात को इन्हें चैन की नींद नहीं आती। सो गाइस प्लीज वेलकम माय मेरे बहुत खास दोस्त द आदि मानव ऑफ यूट्यूब इंडिया ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा ईशान। बिग बॉस का मनीषा क्रिंज है कि नहीं आपको कैसा लगता है कौन है मनीषा मुझे ये बताओ पहले। आप मेरे को रोस्ट करो यार मैं आपके शो पे आया हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? नो 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 एक मिठास भी और साथ में वो भी है एटीट्यूड भी है। बिल्कुल बिल्कुल तो कैसे हैं आप? नो 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 तो कैसे हैं आप लोग? मैं स्टार्टिंग से ड्रीम देखा था मैंने कि बेस्ट बनने का आज वो फाइनली बोल सकता हूँ कि बेस्ट हूँ और रहूंगा बेस्ट। तो कॉन्फिडेंट अगर कोई टीवी एक्टर ये गलत फहमी लेके घूम रहा है कि ये तो यूट्यूब पे वीडियो डालने वाला ये नल्ला है अगर ये गलत फहमी लेके घूम रहा है ना किसी भी यूट्यूबर का मीटअप देख लेना चक्का जाम हो जाता है रोड पे। तब बना था तब उसका मैसेज आया था मुझे कि मैं तेरे घर बंदे भेज दूंगा तू क्या कहते हैं ये वाली वीडियो हटा दे। मैंने ऐसे मैं उस टाइम पे कोई तो काउंटर स्ट्राइक खेल रहा था मैंने कहा परेशान मत कर मैं काउंटर स्ट्राइक। राम राम भाई सारा ने तो भाई आधे घंटे पहला इंस्टाग्राम उठ गया था अपना तो भाई जिसने भी हरकत करी थी उसका बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, please let's welcome Techno!
बहुत ज्यादा फनी बनने की कोशिश कर रहा है, काश वीडियोस में भी बन लेता। इतना फनी कि ये जोक भी इसको मैंने ही लिख के दिया है। सारी वीडियोस मतलब धमाकेदार थी, सारी वीडियोस ने आग लगा दी और यूट्यूबर्स का एटीट्यूड अलग लेवल पे है। और इनके बारे में तो जितना भी कहो कम है, हर यूट्यूबर इतना ज्यादा टैलेंटेड है, एक यूट्यूबर ही इतना ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है। और उनको बिल्कुल भी एटीट्यूड ही नहीं है, लेकिन इन पर एटीट्यूड बहुत सूट करता है, अलग ही इनका एटीट्यूड होता है। तो गाइस आप बताना आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना।